अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ट्रिपल एस किचन में आपको वेलकम कहते हैं। आज आपको बनाना सिखाएंगे मूली के पराठे। ये मैंने कुछ मूलियाँ कट करके रखी हैं। इंग्रेडिएंट्स ये हैं, सिर्फ मिर्च, नमक, ये खुश्क धनिया, खुश्क मेथी, अनारदाना और ये पराठों पे लगाने के लिए ऑयल। अब हम इसमें थोड़ी सी हसबे जायका सुरख मिर्च डाल रहे हैं और ये नमक, हसबे जायका जितना आप यूज़ करना चाहें, ये खुश्क मेथी, खुश्क धनिया अपने अंदाजे के मुताबिक जितना आप डालना चाहें, यह अनारदाना, इनको अच्छे से मिक्स कर लें। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए, नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है, आई थिंक ये मिक्स हो गया ठीक से। अब हम बनाते हैं पराठे। थोड़ा गर्म हो जाए तो अब उसके ऊपर पराठा डालें ताकि चिपक ना जाए उस पर। ये देखिए मैं बॉल बना रही हूँ, मुनासिब साइज के छोटे छोटे बॉल कर बना लिया। इसे छोटी छोटी रोटियां बेल लें। इसके ऊपर रखिए, ये देखें इस तरह बेल ले जाए। ये थोड़ा सा ऑयल लगाएं तवे के साथ। Thank you.
और थोड़ा सा ऑयल लगाएं इसके ऊपर। बहुत ही सिंपल तरीका है और जल्दी से तैयार भी हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। देख सकते हैं कितनी जल्दी ये पराठा रेडी हो। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए कोशिश कीजिए कि थोड़ा धीमी आंच में आप इसको बनाएं। मूली का पराठा रेडी। ओके, नाउ पीस।